हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, केवी क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग न्यू यूजर हैं उनको बता दें कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है ये क्वेश्चन का, और जितने भी वीडियो आने वाले हैं अपकमिंग में वो सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको NTPC एग्जाम को लेके। दोस्तों, ये बेसिकली वन लाइनर GKGS है। दोस्तों, अभी तक आपने NTPC 2016 के पेपर को एनालिसिस जरूर कर लिया होगा और उसमें जो है आपको चार ऑप्शन मिले होंगे, ठीक है। और इस सेशन में, इस वीडियो में हम जो है एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन लेके आ रहे हैं। वन लाइनर में बेसिकली होता ही है एक आंसर। तो आपने क्या तैयारी किया है और उसी का जो है टेस्टिंग इस वीडियो में भी हो जाएगा और आपका तेजी से प्रिपरेशन भी हो जाएगा, तेजी से आपका जो है इम्प्रूवमेंट भी होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें ये RRB NTPC एग्जाम 2016 28 मार्च 2016 का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ऑलरेडी एक वीडियो मेरा पब्लिश हो चुका है, अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि जो लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन और देखते हैं कि कितनी प्रिपरेशन हुई है अभी तक आपकी। तो ये मेरा देखिए, ये पहला क्वेश्चन है 28 मार्च 2016 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और जो लोग एनालिसिस कर चुके हैं 2016 GA के पेपर को, उनको मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ये टफ नहीं है क्वेश्चन, वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखते हैं क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, ठीक है। जो जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दें। इससे क्या होता है, आपको याद होगी कि मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ पे आंसर दिया था, और हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है आपका बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। क्वेश्चन था, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलबीर सिंह सीनियर थे, ठीक है। कौन थे? बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? जो दोस्त अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे 2016 के पेपर को, उसका उनको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर है वो होगा आपका वाल्ट डिज्नी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वह है आपका वाल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका जो आंसर है वो होगा ओर्निथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ठीक है। इसका आंसर जिनको मालूम है वो तुरंत दे दीजिए, जिनको नहीं मालूम है उसको हम बताने जा रहे हैं। इसका जो आंसर है वह है आपका फलक्रम, ठीक है। आंसर है इसका फलक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फटाफट आप बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, जिनको नहीं मालूम उसको हम आंसर बताने जा रहे हैं। उसका जो आंसर होगा BMI, किसका उपयोग किया जाता है? BMI का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका बुध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका जो है हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर जो है वो है ग्रैंड अनिकुट,
कलाईडाई में है, ये भारत का सबसे पुराना बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पेरिस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों काफी पुराना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका तो आंसर सबको मालूम होना चाहिए। चलिए, जिसको नहीं मालूम उनको हम बताने चल रहे हैं। ये है सोनार, सोनार विधि के माध्यम से है। समुद्र के अंदर कोई वस्तु को जो है सोनार के माध्यम से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए क्वेश्चन, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर है वह है आपका कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेखन किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उपयोग किया गया है? इसका आंसर देखते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबको मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी आपको 2016 में, इससे क्या होगा आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में और अभी 2019 में जो है कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है आपका लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ठीक है, ये शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग 2016 एनटीपीसी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे उनको जरूर मालूम होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको, म्यांमार। ठीक है, इसका जो आंसर है वह है आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है? ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? इसका जो आंसर है वह है आपको माइक्रोचिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 मिलियन किसके बराबर है? ठीक है, ये तो शायद मालूम होगा, 10 करोड़ के बराबर होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर वह है विक्रम साराभाई। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ठीक है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? तो इसका आप आंसर देख लीजिए, सी एन अनादुराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? जो हाल ही में खत्म हुआ है 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये शायद सबको आना चाहिए, शायद मालूम भी होगा, तो इसका जो है फटाफट आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, जिनको नहीं मालूम उनको बता दें, जो है खिलाड़ी 9 होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ठीक है, इसका जो आंसर है वह है कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है ALU इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? इसका जो आंसर है वो देखिए आपका फ्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलिया के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये शायद सबको मालूम होगा, जोनस सॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा पॉड। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये शायद क्वेश्चन नहीं मालूम है, ये क्वेश्चन जो है देखिए आपको शिफ्ट 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, शिफ्ट 1 से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका यूके, आंसर होगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेटोम का है,
क्वेश्चन है, जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेटून का है। इसका जो आंसर है वो है आपका सितार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, AQI से क्या अभिप्राय है। ठीक है, AQI से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर जो होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दोस्तों इस शिफ्ट में शिफ्ट वन से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे ही जब आप पूरे 2016 NTPC क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ निकल के आएगा, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको इस साल के एग्जाम में पूछे जाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो के जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी मेरा वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और दोस्तों एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने ये जाना चाहता हूँ कि जिनको भी NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड तैयारी जो कर रहे हैं उनको मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं kbclasses.com, वहाँ से आपको फ्री में PDF में आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगी, आपके प्रिपरेशन में वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और इस वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।